हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के कुछ ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो उन कामों को करने में हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों लग जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने समय की बचत कर पाएंगी, आपके काम और भी बेहतर हो जाएंगे और इस टिप्स को करने में आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर दूध को लेकर के है। गर्मी स्टार्ट हो गई है, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग दूध बॉयल करके रखते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत भी बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको फ्रिज में उठा करके रख देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा फ्रिज में रखने के बाद भी अगर दूध को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो दूध में अजीब सी स्मेल आती है, पीने में एक अजीब सी इसकी खटास ऐसी महसूस होती है जिससे हम लोग दूध को पीने से इग्नोर करते हैं। लेकिन बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊँगी जिससे इस ट्रिक का यूज़ करने से जब आप दूध को रखेंगी फ्रिज में तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी, दूध बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सरसों का तेल ले लेना है, बहुत थोड़ा सा आपको तेल लेना है, 1 से 2 बूंद। आपको इस तरह से करीबन 1.5 से 2 गिलास जो दूध है आप इसमें 2 बूंद तेल डालिए और चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जो ऑयल होगा ना वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ करना चाहती हैं तो आप वो डाल दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकती हैं। दूध में डालने से क्या हो जाएगा, जो सरसों के तेल की एक लेयर ऐसी बन जाएगी, जो दूध फ्रिज में रखने के बाद भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, अजीब सी खटास हो जाती थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। या फिर आप कहीं 2 या 3 दिन के लिए बाहर जाते हैं, आपने दूध को बॉयल करके रखा है फ्रिज में, उसके बाद भी आपको लगता है कहीं दूध फट ना जाए, तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। इससे लंबे समय तक दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी इसमें से खटासपन की महक भी नहीं आएगी। आप यहाँ पर सरसों के तेल की जगह पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आजमा कर ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर सब्जियों को लेकर के है। गर्मी में हम लोग सब्ज़ी फ्रिज में उठा के रखते हैं, लेकिन बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं, सब्ज़ी लाती हैं उसको ओवरनाइट या एक दिन ऐसे ही खुले में रख देती हैं। हम लोग देखते हैं जो सब्ज़ी है ना वो थोड़ी सी मुरझा जाती है, बिल्कुल फ्रेश नहीं रहती है। तो बहुत ही जुगाड़ू टिप्स बताऊँगी जिससे आप सब्ज़ी लाएँगे 1-2 दिन के लिए आप उसको फ्रिज में नहीं रखते, बाहर भी रखेंगे ना तो बिल्कुल फ्रेश रहेगी। अगर आपके घर में फ्रिज है तो आप फ्रिज में भी इस तरह से ट्रिक का यूज़ करके रख सकती हैं। अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है तो आप इस तरह से सब्जियों को रखेंगे तो 2 दिन तक बिल्कुल सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी मुरझाएगी नहीं, फ्रेश रहेगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे आधी कटोरी पानी लेनी है, उसके बाद आपको ले लेना है विनेगर जो हम लोग चाइनीज़ खाने में यूज़ करते हैं, आपको विनेगर इस तरह से पानी में डालना है और मिक्स कर लेना है, और जितनी भी सब्ज़ियाँ आप लाई हैं ना उसके ऊपर आपको इसका छिड़काव कर देना है। तो यहाँ पर जो विनेगर हम लोग ने डाला है वो सब्ज़ियों को बहुत ही अच्छे से फ्रेश रखेगा। आपको यहाँ पानी की कोई लेयर ऐसे नहीं डालना है, बस हल्का हल्का आपको पानी स्प्रिंकल करना है जिससे हर एक सब्ज़ी में पानी अच्छे से पड़ जाएगा। इससे क्या होगा, मक्खी मच्छर बिल्कुल भी सब्ज़ी के ऊपर नहीं बैठेंगे और बिल्कुल भी सब्ज़ी हम लोग की मुरझाएगी नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, किचन टॉवेल ले लीजिए, आपको लेना है उसके ऊपर इस पानी की स्प्रिंकल कर देना है। हल्का सा कपड़ा गीला होना चाहिए, जब आप पानी तरह से छिड़क देंगी कपड़े को उलट करके सब्ज़ी को अच्छे से बंद कर दीजिए। अब आप देखिएगा सब्ज़ी आप 2 दिन तक रखेंगी ना बिल्कुल सब्ज़ी फ्रेश रहेगी, किसी प्रकार से भी सब्ज़ी में मुरझायापन नहीं आएगा, जैसे लग रहेगा कि आप अभी अभी मार्केट से ले करके आई हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, तो इस ट्रिक को ज़रूर अपना करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे छन्नी को लेकर के है कि टॉयलेट में छन्नी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक छन्नी ली है जिसमें बड़े बड़े छेद हो गए हैं जिसका इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, और ये छन्नी इस्तेमाल करने के बाद कुछ इस तरह से टूट भी गई थी। तो मैं इसी छन्नी में आपको एक जुगाड़ू टिप्स बताऊँगी, अगर आपके पास छन्नी टूटी हुई है तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करना है, जो छन्नी का हैंडल होता है ना उसको कट करके आप अलग कर दीजिए, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, सिर्फ हमें छन्नी का इस वाले पार्ट का यूज़ करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे छन्नी मैंने कट कर ली है, उसके बाद आप कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, इस तरह की पॉलीथीन लेना है और छन्नी का जो गोलाकार है ना उससे 2 गुना आपको पन्नी को कट कर लेना है, इतनी बड़ी पन्नी कट करना है जिससे ये छन्नी बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए, इजी तरीके से हम लोगों का हो जाता है। तो बस आपको इस तरह से लेना है, ये देखिए इतनी बड़ी पन्नी लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोटे जो साबुन के टुकड़े होते हैं ना आपने देखा होगा इधर उधर पड़े रहते हैं, बेकार होते हैं, कभी कभी ये इस तरह से नाली में चले जाते हैं, लेकिन इन साबुन को आप वेस्ट मत करिए, आप
इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने बाथरूम में या अपने टॉयलेट में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है छन्नी में, इस तरह से जितने भी छोटे टुकड़े साबुन के हैं अच्छे से सेट कर दीजिए, और जो पन्नी हम लोगों ने कट करी थी आपको इस तरह से नीचे रखना है, उसके ऊपर छन्नी रखना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, छन्नी आपको सीधी ही रखनी है और इस तरह से चारों तरफ से पन्नी को उठाना है और इस तरह से मोड़ देना है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा बड़ी पन्नी लेंगी तो आप गांठ लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर गांठ मत लगाइएगा, आपको एक रबड़ बैंड लेनी है, अच्छे से इसको बांध देना है, कवर कर देना है, या किसी धागे से भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोगों का बन करके तैयार हो गया है। इसमें एक काम और करना है, आपको क्या करना है, चाकू लेनी है। तो यहाँ पे देखिए पन्नी से जितने भी छेद बंद हो गए आपको पन्नी में हल्के हल्के छेद कर देने हैं। तो चाकू से सिर्फ पन्नी में करना है, क्योंकि छन्नी में तो वैसे भी जालियाँ होती है, बस इस तरह से आपको कर लेना है। ऐसा होता है ना कि बार बार टॉयलेट यूज़ करने से टॉयलेट में अजीब सी बैड स्मेल आने लगती है, घर के बच्चे हैं बार बार टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट गंदा हो ही जाता है, लेकिन इस ट्रिक का यूज़ करेंगी ना तो बार बार आपको टॉयलेट साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, टॉयलेट आपका हमेशा क्लीन और साफ़ सुथरा रहेगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने छन्नी की ट्रिक बताई थी ना, तो आपको इसको लेना है और फ्लैश टैंक में इस तरह से डाल देना है। तो आप चाहे इस तरफ या इस तरफ किसी तरफ भी इसको डाल सकते हैं और ये पानी में ऊपर तैरता रहेगा, बिल्कुल भी टैंक पर नीचे नहीं जाएगा। तो फ्लैश टैंक में आपको इस तरह डाल देना है, कुछ भी आपको डोरी धागा नहीं लगाना है, ये ऊपर ही रहेगा क्योंकि फ्लैश टैंक में पानी ऑटोमेटिक भर जाता है। अब आपको क्या करना है, इसका ढक्कन बंद कर देना है। आप जितनी बार भी घर का कोई भी सदस्य टॉयलेट बार बार यूज़ करता है तो जब भी आप फ्लैश टैंक का यूज़ करेंगी ना तो पानी के साथ साबुन मिक्स होकर फ्लैश टैंक में जाएगा, अच्छे से क्लीन कर देगा और बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो यूज़फुल ट्रिक है, आजमा कर ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर कप को लेकर के है, जो चीनी मिट्टी की कप होती है, जब हम लोग लेकर के आते हैं तो आपने देखा होगा न्यू लेकर के आते हैं, अगर एक भी कप टूट जाती है तो सेट पूरा बिगड़ जाता है। नई कप लाने के बाद आप उसको जब आपस में लड़ाएंगे तो एक खनखनाहट की आवाज़ आती है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे ना तो जो आपकी कप अगर जल्दी टूट जाती है, घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप नई कप ले करके आते हैं सबसे पहले आपको ये काम करना है, आप किसी भी बाल्टी में टब में पानी ले लीजिए, आपको इतना पानी लेना है कि आपके कवर जो कप है वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी लिया है, आपको दिखा रही हूँ, मैं पहले ही कप को डाल चुकी हूँ, अच्छे से पानी में भिगो चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ न्यू कप लाने के बाद आपको टब में इस तरह से डाल देना है। तो आप इसको करीबन 3 से 4 घंटे तक ऐसे ही पानी में पड़े रहने दीजिए, अगर हो सके तो ओवरनाइट तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इससे काम बहुत अच्छा होगा, जो कप होगा ना वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हल्के होने के कारण जो कप बहुत जल्दी टूट जाती थी वो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा सा वजन में हल्का सा भारी हो जाएंगे, जिसकी वजह से कप जल्दी टूटेगा नहीं। बच्चे जब होते हैं आपने देखा होगा जल्दी जल्दी में कप रखते हैं, उल्टी सीधी डाल देते हैं, अचानक से कप भी टूट जाती है, जिससे हम लोग का सेट भी बिगड़ जाता है, महंगी महंगी कप लेकर के आते हैं और पैसा भी हम लोग का वेस्ट चला जाता है। लेकिन जब आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगी तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बच्चे आपके घर में हैं तो इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। बस आपको ओवरनाइट इस तरह से कप को पानी में डाल देना है और सारी रात आपको भीगने देना है, दूसरे दिन निकाल के आप इसका कर सकते हैं। तो यूजफुल ट्रिक है, आजमा कर जरूर देखेगा। यहीं पे वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, टिप थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज उसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।